अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान खदीजा ताज और आप देख रहे हैं एनए न्यूज़। लिए चलते हैं आपको दिलचस्प और अजीब खबरों की तरफ। मुसलसल 261 घंटे तक जारी आइस हॉकी मुकाबले से 10 लाख डॉलर जमा। कनाडा में इंडोर आइस हॉकी के एक मैच में 40 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और 261 घंटे तक खेल जारी रखकर एक नया आलमी रिकॉर्ड बनाया है, जिसका मकसद था कि किसी तरह बच्चों के इलाज के लिए अतियात जमा किए जाएं। इस तरह मैच के इख्तिताम तक बीमार बच्चों के लिए 10 लाख डॉलर की रकम जमा हो गई। ताहम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इस मुकाबले को एक नया आलमी रिकॉर्ड भी करार दिया है। इस अनोखे मुकाबले को बच्चों के लिए हॉकी मैराथन का नाम दिया गया था। ताहम इस मुकाबले के तहत एक पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ा गया था जो अमरीका में कायम किया गया था। तफसीलात के मुताबिक न्यूयॉर्क के इलाके बुफेलो में एक ऐसा ही हॉकी गेम खेला गया था जो मुसलसल 252 घंटे जारी रहा था। ताहम नए मुकाबले की सारी रकम जो $1 मिलियन बनती थी वो अल्बर्टा चिल्ड्रन हस्पताल फाउंडेशन को दी जाएगी। आइस हॉकी के इस गैर मामूली मुकाबले से मिलने वाली रकम बिलखसूस सरतान के शिकार बच्चों पर खर्च की जाएगी। आसमान को छूती कीमतों का नतीजा, चोर 60 किलो लीमू ले उड़े। लीमो की आसमान से छूती कीमतों का नतीजा ये निकला कि चोर गोदाम से 60 किलो लीमू ले उड़े। सोना, चांदी, हीरे और जवाहरात के बाद अब लीमू भी कीमती हो गए। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के शहर शाहजहानपुर में चोर एक गोदाम से 60 किलो लीमू चुरा कर ले गए। लीमू के साथ साथ चोरों ने 40 किलो प्याज और 38 किलो लहसुन भी चुरा लिया। गोदाम के मालिक का कहना है कि चोरों ने रात गए कीमती सब्जियां चुराई। भारत के मुख्तलिफ इलाकों में लीमू की फी किलो कीमत 325 रुपए तक पहुँच गई है। पुलिस लीमू चोरों की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है।